हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राहुल और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन जी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी फ्रेंड्स को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार से फुल एचडी क्वालिटी में राम नवमी का पोस्टर तैयार करेंगे। यदि आपको नहीं पता है किस प्रकार से फोटो के माध्यम से फुल एचडी क्वालिटी में बैनर तैयार किया जाता है, तो आप हमारी इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पासवर्ड बताया जाएगा। जब तक कि आप उस पासवर्ड को नहीं देखेंगे, तब तक आप किसी भी जिप फाइल को अनजिप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सो गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लाइव एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यदि आप पिक्सल लाइव एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे मैं पिक्सल लाइव एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस। तो आपको सबसे पहले यहां इस टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो यह टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है राइट साइड में प्रोजेक्ट्स वाले ऑप्शन पे टिक करना है और रामनवमी का पोस्टर जो एडिटिंग किया हूँ मैं, उसका जो है PLP फाइल आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं पता किस प्रकार से PLP फाइल को ऐड किया जाता है, तो आप हमारे इस चैनल को चेकआउट कीजिए। वहाँ पर वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से ही डाल दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लेयर वाले ऑप्शन पर जाते हैं और इन सभी को अनलॉक कर देते हैं। इन सभी को अनलॉक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो कुछ भी था पूरा अनलॉक हो चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि आप इस झालर को हटाना चाहते हैं तो इस झालर को भी हटा सकते हैं। उसके बाद यदि आप हमारी इस फोटो को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको एक बार टिक करना है और डिलीट के आइकन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो इमेज था वो डिलीट हो चुका है। यदि आप यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसा कि रामनवमी लिखा गया है, यदि आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। अब आप यहाँ से किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं, आप कुछ इस प्रकार से कलर को चूज कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा गया है कि हार्दिक शुभकामनाएं, यदि आप इसके कलर को जो है चेंज करना चाहते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कलर वाले ऑप्शन पे जाके। यदि आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। उसके लिए फ्रेंड्स, यदि आप इनमें कुछ दूसरा टाइप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे यूनिकोड पैड एप्लीकेशन से यूनिकोड निकालना होगा। जैसा कि यहाँ पे मैं फिर से लिख दिया हूँ, कुछ दूसरा वर्ड है तो यहाँ पे टाइप नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिकोड आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप किसी भी वर्ड का यूनिकोड नहीं निकालेंगे, तब तक आप इस स्टाइल में नहीं लिख पाएंगे। यूनिकोड निकालने के लिए आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको जो है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से फॉन्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यदि आप किसी भी प्रकार से टाइप को चेंज करना चाहते हैं, किसी भी कलर को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है आप सभी क्षेत्रवासियों को, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आप यहाँ पे किसी भी फॉन्ट को चूज कर लीजिए, वो आपके मन मुताबिक जो है चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो ये बोल्ड फॉन्ट में हो चुका है। तो उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारा जो है पोस्टर बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमें प्लस वाले चिन्ह पे जाना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हमें अपने गैलरी से उस इमेज को ऐड करना है जिसके बैकग्राउंड को हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, तो हम उस फोटो को जो है ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला इमेज है, तो हम इस इमेज को यहाँ पे ले आके सेट कर देंगे। इस इमेज को सेट करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो पोस्टर है पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से करके अपने लिए खुद का जो है रामनवमी का फुल HD क्वालिटी में पोस्टर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि आपको इसे सेव करना हुआ, तो यहाँ पे आपको सीधे जो है प्लस के राइट साइड में जो है एक आइकन मिलेगा, इस पर आपको टिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। सेव एज इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको नीचे की तरफ कस्टम पे टिक करना है और अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी पे टिक कर देना है। यह जो फोटो है आपका जो पोस्टर बना हुआ है, ये फोटो के रूप में सेव हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही था, तो आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।